सलमान खान के लिए ब्लैक बक पोचिंग केस में आखिर आया है बड़ा फैसला। सलमान के लिए मुसीबत। सलमान के साथ को अक्यूज्ड बाकी स्टार्स को मिली राहत। ब्लैक बक पोचिंग केस में सलमान खान दोषी करार दे दिए गए हैं। जोधपुर कोर्ट सेज सलमान खान गिल्टी इन ब्लैक बक पोचिंग केस। रिपोर्टेडली सलमान कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 9 एंड 51 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब इस मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई। अपेरेंटली हियरिंग के दौरान सलमान सर झुकाए हुए जज साहब के जजमेंट को सुनते हुए दिखाई दिए। वहीं उनकी बहन अलवीरा हो गई इमोशनल और रोने लगी। रिपोर्टेडली जैसे ही कोर्ट की हियरिंग शुरू हुई, सलमान ने सबसे पहले अपने ऊपर लगे सभी इल्जामों को गलत बताते हुए कहा कि उन्हें जबरन फंसाया गया है। इसी बात को दोहराते हुए सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम ने खुद को बेकसूर बताया। सबसे पहले सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी कर दिया गया। इसके बाद सलमान खान को दोषी करार दिया गया। हियरिंग के लिए सबसे पहले सलमान की बहन अलवीरा और अर्पिता कोर्ट के लिए निकली और उसके कुछ देर बाद सलमान निकले। सलमान के लिए पुलिस की तरफ से स्पेशल सिक्योरिटी दी गई थी। ब्लैक शर्ट में शेड्स पहने हुए सलमान कोर्ट पहुंचे। सलमान उस वक्त काफी सीरियस मूड में दिखाई दिए। उनके साथ बॉडीगार्ड शेरा भी थे। सलमान के बाद व्हाइट पजामा पहने सैफ अली खान, फिर नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे कोर्ट पहुंची। आपको बता दें कि अक्टूबर 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान और उनके को एक्टर्स पर ब्लैक बक हंटिंग का लगा था इल्जाम। वहीं सलमान खान अपनी फिल्म रेस 3 की शूटिंग अबू धाबी में कंप्लीट करके इस केस की हियरिंग के लिए स्पेशली मुंबई पहुंचे थे, जहां से वो सीधे जोधपुर निकले थे। सलमान खान अपनी सिस्टर अर्पिता, नेव्यू आहिल और बॉडीगार्ड शेरा के साथ जोधपुर पहुंचे थे। वेल, सलमान की फैमिली, उनके फैंस और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद ही बड़ी मुसीबत। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.